तो वहीं सिरसा में भी मंदिरों में लोगों की भीड़ बिल्कुल से गायब हो गई है और लोग यहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना की दहशत के चलते लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोगों ने मंदिरों तक पहुंचना बंद कर दिया है और मंदिरों में भी लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। सिरसा में मंदिर भी खाली पड़े हुए हैं और लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि सुबह की सरकार इसे लेकर के लगातार एहतियात बरत रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, वहीं लोग अब भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे विश्व के लिए एक गंभीर स्थिति बनी हुई है। अगर हम जहाँ तक बात करें सिरसा की, तो सिरसा के अंदर भी 63 ऐसे मामले हैं जो आए हैं, जो बाहर से आए हैं, चाइना से आए हैं या चाइना के आसपास से आए हैं। लेकिन बड़ी गनीमत की बात है कि अभी तक एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया है। इस समय मौजूद है सिरसा के एक मंदिर में, जहां काफ़ी प्राचीन मंदिर है, काफ़ी लोगों को आना जाना लगाता है। हमारे साथ मंदिर के प्रबंधक है प्रोफेसर दयानंद शर्मा जी, इनसे जानना चाहेंगे कि कोरोना जो फैल रहा है, इसकी जो आशंकित है, इसको लेकर के किस तरह का यहाँ मंदिर पर प्रभाव पड़ा है, कैसे लोग आना जाना कम हुआ है या किस तरह का प्रभाव है। प्रोफेसर साहब, जो कोरोना वायरस आपने देखा, किस तरह से पूरी दुनिया में एक स्थिति बनी हुई है, संकट पैदा हुआ है, इसको लेकर के मंदिर में क्या हालात रखती है, क्या लोगों कब हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। अपने सिरसा के अंदर और खास करके मैं कहूँ हरियाणा के अंदर भी इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। ठीक है कि ऐसे डिटेक्शन कुछ केसेज में हुए हैं, जैसे आपने बताया 63 केसेस हैं ये, लेकिन मंदिर के अंदर लोग जो है ना, आप देख रहे होंगे, आते जाते रहते हैं हमेशा। और जो सावधानियाँ, जो क्या कहते हैं, अपनी सावधानी रखने के लिए सरकार भी और पूरे मीडिया भी, आप जैसे साथी जो हैं, पूरे पब्लिक को जागरूक करने में लगे हुए हैं कि बार बार से हाथ धोना, दूर से नमस्कार करना, और ये हमारी संस्कृति भी है। हाथ मिलाना हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं था, अगर किसी टाइम में हम कहें तो दूर से ही हाथ जोड़ देना, और बार बार जैसे बहुत नज़दीक किसी से कॉन्टैक्ट मत रखना। और मैं ये कहूँगा कि मेरा ये पर्सनल संदेश है कि हमारे देश की जनता इससे पैनिक ना रहे। ऐसा कुछ नहीं है, देखो वायरसेस पहले भी आते हैं, पहले भी तरह तरह के वायरस जो है इस दुनिया में आते गए हैं, और इस प्रकार जैसे ये चाइना से जैसे ये कोरोना वायरस का इजाद हुआ। और ये एक महत्वपूर्ण बात प्रोफेसर दयानंद शर्मा की है कि इसे आशंकित होने की, घबराने की जरूरत नहीं है, सावधानी जरूर बरते, और यही बता रहे कि जो मंदिर में आने वाले जो लोग हैं वो भी इस बात को सावधानी बरतनी चाहिए कि हाथ ना मिलाए, केवल दूर से नमस्कार करें, जो हमारी भारतीय संस्कृति है। हमारे साथ कुछ और भी, अभी आप मंदिर में पहुंचे, आपको क्या लगता है, मंदिर में पहुंचो, जय श्री राम, आपको क्या लगता है कि जो कोरोना वायरस के, इसके मंदिर में आना जाना कम हुआ है या किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? नहीं, अभी तक तो इस तरह का मामला कोई सामने नहीं आया है सिरसा के अंदर। फिर भी हम जो सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई है उसका हम पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं, जैसे कि दूर से हाथ मिलाना, हम एक दूसरे के नज़दीक नहीं जाते, जो बच्चे खांसते हैं उनसे को दूर रहने के लिए कहते हैं, वो खांसते समय अपने बाजू का प्रयोग करें, रुमाल का प्रयोग करें, इस तरह के एहतियात हम बरत रहे हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से प्रोफेसर दयानंद शर्मा ने बताया, इसी तरह से जो यहाँ मंदिर में पहुंचे उन्होंने बताया, हालांकि सभी सिरसा के मंदिर गुरुद्वारा में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ लोगों में भरम नहीं है कि ज़्यादा ना जाया जाए, लोग आते जरूर हैं, पहले की तरह आते हैं, लेकिन सावधानी जरूर बरत रहे हैं और सबको बरतनी चाहिए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी सभी से अपील करता है कि जो कोरोना वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है और जो जिस तरह की हिदायतें दी गई है उसकी पालना करें, ताकि इसको फैलने से रोका जा सके। सिरसा समर्थन जारी इंडिया।